बंद है, वो तो अंदर से आ रहे हैं ना लोग, ये कह रहे हैं एंट्री बंद है, जो गए हुए उन्हें निकाल रहे हैं। मैं लगवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में ये रूट्स के बड़े वाले स्पीकर, ये मैं एक 4 चैनल एम्प लगवा रहा हूँ। यो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना डॉलर जोन। अभी डॉलर इंट्रो देगा, चैनल कब जाएगा? हाँ ठीक है ठीक है, तेरे को देखने आते हैं। अरे ठीक है यार, सब्सक्राइब कर लो यार, इसका चैनल है यार, गलती होगी मेरे से। मजे ले रहा, ये कह रहा मेरा चैनल है, चुप मेरा चैनल है बत्ता भी, तेरा इंस्टाग्राम है गलत होगा, इसको भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नाराज हो रहा। तो मम्मी अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, कुछ काम कराने सिस्टम का, म्यूजिक सिस्टम हैवी बेस। तू कितना खर्च कर रहा रोज गाड़ी का, शौक शौक की कोई कीमत नहीं होती, समझी? तो चलते हैं फटाफट करोल बाग जयोट। मैं लगवा रहा हूँ अपनी गाड़ी में ये रूट्स के बड़े वाले स्पीकर, ये काफी अच्छे लगेंगे अपनी थार में, ऐसा लगता है हायाबुसा में स्प्लेंडर के हॉर्न लगा दिए। और ये मैं एक 4 चैनल एम्प लगवा रहा हूँ, ये वर्ल्ड टेक का, ये देखो पीछे जो सिस्टम है मेरा, ओए वर्ल्ड टेक का वो 4 चैनल है या मोनो? मोनो है भाई, मोनो है वो भाई, मोनो जो रहता है बेस चलाने के लिए रहता है, और जो 4 चैनल है वो स्पीकर्स के लिए रहता है। अच्छा, अभी मैंने ये सिस्टम लगवा रखा है तो आउटपुट सही नहीं उठा रहे, ये देखो। तो अभी इसमें मोनो लगाते हैं और इसकी जो आवाज है वो फटेगी, मतलब मजा आएगा। और अभी जे ऑटो पे आ रखी है 2 स्कॉर्पियो S5 से S11 बनने, और ये रहा जे ऑटो जी। तो अब इनमें क्या क्या काम हुआ जी? और एक स्कॉर्पियो इधर तैयार। अच्छा, एक उधर वो रही, हाँ, और एक स्कॉर्पियो उधर, हमने हेडलाइट दिखाई है, टोटल 4 स्कॉर्पियो भाई हमारे यहाँ। संजय दत्तपुर है संजय, तो आपकी गाड़ी कौन सी है? ये वाली, तो S5 से S11 बनाने आए हो? क्या बात है, मजा आ रहा है, हो गया काम? हो गया काम, हो गया। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। इतनी दूर से आओ? नाम सुन के आया भाई, काम कराना है। अरे क्या बात है, काम कराना है छत्तीसगढ़ से, ऐसे छत्तीसगढ़ में होगी नहीं दूसरी। यूट्यूब से देखा भतीजे ने, हाँ, सर्च किया अच्छे से, चामुंडा से, चामुंडा वैसे बात की, हाँ, और उन्हें बोला कि सेटिस्फेक्शन लगा हमको। क्या बात है, इतना दूर हम लोग आए यहाँ पे, देख रहे हो कि इतनी दूर दूर से आते हैं ये काम कराने, क्योंकि काम अच्छा है और सस्ता है जब भी आते हैं। वेस्ट बंगाल से भी हमारे पास आते हैं काम, वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से भी। क्या बात, दूर दूर से आते हैं। अभी दरभंगा की गाड़ी हो रही है सामने, देखो दरभंगा की, स्कॉर्पियो S5 आया था हमारे पास, जो की इसके अंदर हमने स्पॉइलर कंपनी भी डाला, जो यहाँ से पानी आने के भी जगह है, पानी भी आता है, पानी इसमें वाइपर भी डलेगा, अभी वाइपर नहीं डलवाया भाई साहब, वैसे ये डालते हैं वाइपर, वाइपर हम डालते हैं। इधर रेयर गाने से S11 वाले ने जैमन डाले, अच्छा, तो यहाँ पे टैंक भी डाल दिए, S11 डी पिलर देख सकते हैं S11 वाले हमने डाले इसके, ओके। इधर हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगा दी, ये देखो ये रिफ्लेक्टर लाइट ये लगाई है इन्होंने, कितनी बढ़िया लग रही है। डोर वाइजर लगाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया लग रहा है। साइड की फुटरेस्ट, ये साइड की फुटरेस्ट डाली है, ये भी मैं भी अपनी थार में लगाऊंगा, इसमें भी ब्लैक फुटरेस्ट लगाऊंगा आपकी थार में, थार में भी सेम ऐसे मिलते जुलते ब्लैक लगवा दो। क्या बात है। अच्छा सुनो, अरे मेरे एक काम कर दो, कस्टमाइज बनवा सकते हो, इसमें गौरव जोन लिखाओ। गौरव जोन तो नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया, नहीं चाहता गौरव जोन, ये सही है, तो साइड वाइड में लिखवा देंगे, सही बात है। आइए ब्लैक कलर की डलवाएंगे, ब्लैक सेम यही डलवा देंगे। हेडलाइट में काम करा है, ये DRL लगवाई है, और ये कौन सी लाइट होती है भाई? यार पहले मैं सोच रहा था कि मैं पहले S5 ले लूं फिर S11 बनाएंगे उसको, बट मैंने लेजेंडर ले ली, लेजेंडर में कर दोगे काम? कर देंगे लेजेंडर में भी, कर देंगे। क्या बात है, तो देखते हैं लेजेंडर में क्या काम होगा, यहीं से कराऊंगा मैं। लेजेंडर आती है उसे? हाँ कभी कभी एक आध आ जाती है, उसमें वो काम वैसे पड़ते ही नहीं होगा, काम होता है जैसे सीट और फ्लोरिंग। हाँ सीट फ्लोरिंग बस। S11 की ग्रिल है। अच्छा ये S11 की ग्रिल डाली इन्होंने, तो तुमने अब तक कितनी स्कॉर्पियो को S5 से S11 बता दिया? खुद नहीं पता कितनी करी है, 100-150 से पार कर दी होंगे, 1000 से ऊपर भैया, 4-5 की एवरेज है रोज की, मतलब लग रहा है स्कॉर्पियो की सेल यही बढ़ा रहे हैं, और स्कॉर्पियो वाले ढूंढ भी रहे होंगे, वैसे हमारे टॉप मॉडल बंद करा दिया, टॉप मॉडल बिक नहीं रहा, बेस मॉडल उनका ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा बिक रहा है, वाले सब जानते हैं। अच्छा वैसे कितने रुपए लगेंगे अगर बेस से टॉप करेंगे तो? आइडिया, एवरेज खर्चा 1.5 लाख से ऊपर आता है, मतलब इतना माइंड मेकअप करके आओगे हमारे पास, आप कहीं और जाओगे आपको 40-50 हज़ार में करके भेज देगा, ये हो गया हो गया, मगर वो नकली करके भेज देगा भाई। मैं इतने सालों से आ रहा हूं तो कुछ तो रीजन है, ये महिंद्रा ओरिजिनल रूफ रेल डली है, लटकना पूरा ऐसा भी लालो बंदे को, कितने किलो के लिए आपको? मेरा अब तो 78 है, कर लूंगा 64 अगले महीने कम करना है अभी, चकाचक सब मिलेगा, मतलब मैं बताऊंगा नहीं कि ये इन पे जो भी आप सोचोगे सब मिलेगा, सारी गाड़ियों को, सारी गाड़ियों को सामान मिलता है, मगर हमारी स्पेशलिटी है स्कॉर्पियो की,
स्कॉर्पियो का देख लो हमारे पास सारी रेंज क्रेटा भी करते थे मगर मेन अब हमने स्कॉर्पियो पकड़ लिया, हमारे स्कॉर्पियो की फुल रेंज है। अच्छा जो भी काम कराना चाहिए बताओ, क्रेटा ज्यादा बिक रही है स्कॉर्पियो? भाई मेरे लिए तो स्कॉर्पियो ज्यादा बिके तो बढ़िया है, क्रेटा कम आती है। पर इनकी शॉप पे एक बार ही घुमा के दिखा रहा हूँ, कितनी बड़ी शॉप है और सारा सामान है। तो आपको काम कैसा लगा? मेरे को काम बहुत अच्छा लगा ही। अच्छा लगा? नाम दिल्ली कैसी लगी? दिल्ली भी बहुत अच्छी, दिल्ली दिल वालों नहीं रुक जाओ यार, दिल्ली दिल वालों भाई दो तीन से रुके हुए हमारे, नौकरी भी करना है कुछ। नौकरी क्या करते हो? पड़ेगा हम सेल में। अच्छा सेल में, प्लीज। तो स्कॉर्पियो भी लग रही है, बढ़िया। अब एक बार सिस्टम सुनते हैं, स्क्रीन पे मैं कार्ड डाल रहा हूँ, यहाँ से आप देख के यहाँ पे इस शॉप पे आ सकते हो। लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे बढ़िया बढ़िया रील डालते हैं और मैं भी काम कराता हूँ, तो आप भी यहाँ काम कराना, स्पेशली इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। लेजेंडर करनी है तुम्हें? लेजेंडर तो ओनली वन इन इंडिया करनी है। अब मेरे को एक बात बताना, आपने कई जगह से काम कराया, आपको मतलब क्या फील हुआ कि मतलब यहाँ पे अपने अपनी? मैं देखो एक बार मैंने दूसरी शॉप से कराया, इतना घटिया काम करा था, तभी मैं यहाँ वापस आ गया, तो इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं भाई। ना वायरिंग आती किसी को, ना इतना सिस्टम घटिया, क्या बोलूं मैं, गाली भी नहीं दे सकता, इसलिए मैं वापस यहाँ आ गया। जॉट वाला सिस्टम तब से लेके अब तक चल ही रहा था, अब जाके थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वायरिंग पुरानी थी। मार्केट में भी हर जगह देख लिया होगा, बट अभी आप लास्टली इधर ही आए। बिल्कुल। तो ये रही अपनी थार, इसमें पूरा काम हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले आपको दिखेंगे 7D मैट, ये मैंने एक्स्ट्रा मतलब गद्दे लगा रखे ताकि गंदा ना हो। ये देखो एक्स्ट्रा घास लगा दिया मैंने, ये देखो ये भी 7D मैट है। तो एक लगवाया मैंने मैट और दूसरा मैंने इसकी सेंटर लॉकिंग पूरी नई डलवाई है क्योंकि वो हो गई थी खराब। एम्बियंट लाइट देखो, मैंने ये पूरी एम्बियंट लाइट करवाई थी, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ पैरों में भी लाइट है, वहाँ भी लाइट है। इसके बाद मैंने डलवाए हैं रूट्स के हॉर्न, तो एक बार ही साउंड सुनो, ऐसे कुछ हॉर्न डले हैं इसमें, तो मोनो एम डला है। अब सुनो साउंड और बेस कैसी होगी ये गाड़ी की। तो मैं करता हूँ पहले शीशे ऊपर, तो ये सारा मैंने काम अपनी थार में कराया, इसमें भी मेरा मोटा खर्चा गया। मतलब मेरी गाड़ी ऐसी है जब भी जाती है तो 15-20 हज़ार की चपत हर बार ही लगती है, चाहे सेटिंग हो चाहे जब भी मैं जाता हूँ तो छोटी मोटी लाइटें लगवा लेता हूँ। तो ऐसे सर्विस गई थी तो सर्विस में भी 30 हज़ार रुपये लग गए, तो अभी मेरे को टायर बदलवाने हैं तो फिर मेरी गाड़ी हो जाएगी पूरी रेडी, क्योंकि मेरे को वहाँ जाना है, क्या कहते हैं, केदारनाथ और लद्दाख, तो इसलिए मैं पूरा गाड़ी में काम करवा रहा हूँ। ओके रिपोर्ट। तो अब चलते हैं घर। अभी हमारा मन कर गया कि हम जाएं इस्कॉन टेंपल, क्योंकि हम पहले दिल्ली में रहते हुए मैं आज तक इस्कॉन टेंपल नहीं गया। मम्मी आप गई हो इस्कॉन टेंपल? कभी नहीं गई। और जन्माष्टमी वाले दिन इतनी भीड़ लगती है, मेरे दोस्त का फोन आया था कि भाई आज इस्कॉन टेंपल, वहाँ बहुत मतलब दिल्ली में अभी 9-10 बजे सब बंद हो गया है, कोई झांकी नहीं बन रही, सारे मंदिर ऑलमोस्ट बंद है, सिर्फ इस्कॉन टेंपल खुला है। तो वहां चलते और देखते हैं कैसा माहौल है वहां। अभी हम जन्माष्टमी देखने आए हैं मेरे घर के पास, यहाँ एक कॉलोनी है तो यहाँ बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं गाइस। एक सैड न्यूज है कि अभी कोई जन्माष्टमी मना ही नहीं रहा है इस कोविड सीजन में। देखो सब सूखा पड़ा सब, नहीं तो यहाँ पे लंबी लंबी झांकियां। जब मैंने 3 साल पहले व्लॉग भी बनाया हुआ तो उसमें पानी में ले जाते हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे ड्रामे करते हैं, खेलते हैं, कूदने नाचते हैं, बट अभी ऐसा सूना पड़ा है हर जगह कि कोई भी नहीं है। देखो ये देखो सब सूखा पड़ा है, नहीं तो यहाँ हर जगह लाइन से झांकियां बनती थी और लोग टेंट लगा के डीजे बजाते पूरी रात, मतलब पार्टी होती थी, ऐसा लगता था किसी का फंक्शन चल रहा है कि नहीं, बर्थडे पार्टी चल रहा है। हां बर्थडे केक वेक काटते थे खूब। ये देखो अभी सिर्फ मंदिरों में ही दर्शन चल रहे हैं और मंदिर भी खाली से ही पड़े हैं। मम्मी देखो भीड़ भी नहीं है। अच्छा बाहर से ही, अरे मंदिर भी बंद कर रखे हैं, ये देखो सिर्फ बाहर से ही हो रही है, देखो मंदिर भी बंद करा हुआ। अच्छा पुलिस भी है, अरे बाप रे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है दिल्ली में। तो भाई मैंने कहा कि आपको थोड़ा जन्माष्टमी वाला हाल दिखाऊं घूम के। ये देखो लोग तैयार होके जा रहे हैं बट सब बंद पड़ा है। बज रहे हैं रात के 10:30। इसके आगे मेल भी सब्सक्राइबरों के आता है, आई एम बिगिनर सब्सक्राइबर, ये वो। तो थैंक यू गाइस, आप मेरे को मेल करते हो, बट ये इंस्टाग्राम पे भी इनबॉक्स कर सकते हो क्योंकि बिजनेस की इतनी मेल आती है तो ऑलरेडी उसमें मिक्सअप हो जाता है। एक दिन में 12-13 हज़ार मेल आती है, मेरी टीम पकड़ा जाती है क्या हो गया। तो एक टीम मेंबर तो मैंने मेल देखने के लिए रखा, अपने मेरा 15-20 हज़ार रुपये का तो खर्चा वैसे ही बढ़ा रखा है गाइस। सब खाली पड़ा है, मम्मी क्या करें, आइसक्रीम खाओ घर चल। हाँ ये देखो जैसे ये जा रहे हैं, पिछली बार इस जगह लगी थी झांकी, यहाँ लग रही है एक झांकी छोटी सी, मतलब झांकी क्या मतलब, ऐसे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं पेड़ वेड़ बना के। ये मंदिर मम्मी पूरा भरा रहता था, याद है जब मैं छोटा था बचपन में आता था, पूरे बहुत भीड़ होती थी इसमें। हाँ पूरे यहाँ यहाँ तक रोड पे लाइन लगी रहती थी। अब देखो मंदिर भी खाली पड़ा है, पूरा इलाका सूना पड़ा है। जब
जब मैं छोटा था तो अब मैं रहता था मदनगिर में इसी इलाके में। यहाँ जो भी स्टेजेस बने हैं यहाँ पे पूरे लोग नाचते थे, डेक लगाते थे। तो मेरा बचपन तो इन्हीं रोडों पे गुजरा, यहाँ से ही कपड़े खरीदता था, यहीं पे शॉपिंग, यहीं पे सामने पार्क है, इस पार्क में मैं बैट बॉल खेलता था। तो आज देखो सुना है इस वाले स्टैंड पे तेरी बस आती है, अच्छा स्कूल बस ग्रीन फील्ड की। ये देखो बस स्टैंड दिखाता हूँ, तो मेरा बस स्टैंड होता है जब मैं छोटा था, पांचवी छठी में पढ़ता था। तो इस चौक पे ये जो ऑटो मोड़ रहा है ना यही आती थी इस चौक पे, यहाँ खड़ा होता था मैं, आज बीकानेर बन गया, यहाँ खड़ा होता था। तो यहाँ बस आती थी और यहाँ से मैं पतंग ले आता था चार्ली वाले से, है ना, यहाँ से। तो अब तो इन आंटी की डेथ हो गई है, बट यहीं से आता था मैं पूरा। तो पुरानी यादें हैं, मेरा बचपन इन्हीं गलियों में। तो ये देखो इन रोडों से ही जाती थी, तो सुबह सुबह 7 बजे स्कूल की बस आती थी मेरी। फेस क्या, तो ये देखो इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं हम, बट ये यहाँ रोक रहे हैं पुलिस वाले। निकल तो रही थी गाड़ी, तो निकाल ही नहीं रहा, जबरदस्ती खड़ा है। नहीं निकाल तो रहे हैं, जाने नहीं दे रहा ना। इधर है क्या, और क्या, ऊपर जा नहीं रहा। तो अभी मैं आ गया हूँ इस्कॉन टेम्पल, काफी मीडिया वाले भी आ रखे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बंद हो चुका है, ये बंद है, वो तो अंदर में आ रहे हैं ना लोग, अंदर तो पहले के गए हुए, ये कह रहा है एंट्री बंद है, जो गए हुए उन्हें निकाल रहे हैं। अभी बंद हो गया यहाँ पे, तो सब जा रहे हैं भाई, एंट्री तो बंद हो चुकी है यहाँ पे, मंदिर जल्दी बंद हो गया। वो कितनी आस में जा रहे हैं मंदिर की तरफ, देखो सज धज के जा रहे हैं बेचारे। 3 किलोमीटर दूर से रास्ता बंद कर रखा है, जो लोग 3 किलोमीटर चल के आ रहे होंगे उनको गेट पे आके कितना बुरा लग रहा होगा। पुलिस वाले कह रहे हैं जाओ जाओ लौटो लौटो, इन्हें लग रहा है कि इन्हें मिलेगा प्रसाद, बट इन्हें मिलेगा डंडा। ओहो ये बढ़िया बना रखा है मंदिर सजा हुआ है, प्यारे सेल्फी ले रहा है। तो आज हमारे घर में बने हैं छोले कुलचे, बना के तो खैर राजू गया था, मम्मी बस गरम करके दे रही है। पर पूछ रहा था कैसे बनते, मैंने कैसे बनते, अरे डॉलर भी आ गया खाने। तो ये हमारे घर में व्रत का बना है और ये अपन खा रहे हैं कुलचे, और ये छोले भी बड़े टेस्टी से लग रहे हैं। तो मम्मी कर रही है वहाँ पूजा, और डॉलर भाई साहब का मम्मी, डॉलर भाई साहब है यहाँ। अच्छा दीपक से डरता है इसलिए यहाँ छुप के बैठा है। जब हम लाए थे ना ये छोटा था, अच्छा नाक सी जल गई थी थोड़ी कैंडल से, अच्छा डरने लगा, बहुत दूर बैठता। अच्छा तो डेली सुबह दूर हो जाता है आपसे? हाँ डेली, कभी नजदीक नहीं आता, पूजा करो ना छुप जाता है। बैठो बैठो तो पिछवाड़ा नीचे करके चले। अच्छा 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 नहीं हो रही है ये दीपावली समझ, आजा पूजा कर रहे हैं भगवान जी की, आजा बैठो यहाँ मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो मम्मी क्या हो गया आपके दोनों हाथों को, हैं गिर गई थी क्या, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो गया क्या, हैं ऐसे क्यों बोल रहा है? तो मम्मी के आजकल हाथ पैरों में रहता है दर्द और मैं इलाज कराऊंगा। नहीं मैं जिम करके आई थी आज, मैंने ना वेट उठाया। अच्छा मसल्स है ना दर्द कर रही है वो। अच्छा तो इससे ठीक थोड़ी होगा, मैंने वो लगा ली है, वो लगा ली है पट्टी बांध के। तो अभी एक गुड न्यूज आने वाली है कार की, अब वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी कि वो कार फॉर्च्यूनर होने वाली है कोई और, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ एक और गाड़ी ली जाए, तो वो सब पता चलेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वो गाड़ी खरीदेगा, अरे यार समझा करो, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे पूरा खुलासा। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के बाद बेल का ऑप्शन जरूर दबा दो, उससे क्या आप पे नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा।